नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, खबर यूपी से। पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी का विस्तार को बढ़ाने के लिए रुख किए यूपी का, और भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ दी जंग। अब देखना है आम आदमी पार्टी यूपी में क्या करती है। इसी चुनावी से संबंधित दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंच पर चढ़कर यूपी वासियों को रुझाने के लिए किस प्रकार का वादा किए, देखिए पूरी खबर। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा के साथ साथ यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी को भी दे दी चुनौती। अब देखना है यूपी की जनता अखिलेश भैया, आदित्यनाथ योगी, बहन मायावती या फिर अरविंद केजरीवाल को अपने दिल में जगह देते हैं, या फिर आदित्यनाथ योगी ही राज करते हैं यूपी में। दिल्ली के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। पहले खूब पावर कट लगा करते थे, 24 घंटे बिजली कर दी। बिजली 24 घंटे आती है और मुफ्त बिजली आती है। लोगों के जीरो बिजली के बिल आते हैं, जीरो। फोन करके पूछ लेना दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से, जीरो बिजली के बिल आते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। हाथ खड़े करके बता दो, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली चाहिए, जीरो बिजली के बिल चाहिए। ये केवल केजरीवाल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये जादू है भाई साहब, 24 घंटे बिजली और जीरो बिजली का बिल, ये जादू ही है और क्या है। नहीं, ये जादू केवल केजरीवाल को आता है और किसी भाई। आजकल सारी पार्टियां कहती घूम रही हैं, हम भी बिजली फ्री देंगे, हम भी बिजली फ्री देंगे। अरे 24 घंटे भी बिजली देनी है, ऐसे नहीं कि बिजली फ्री कर दी और बिजली आए ना। बिजली आनी भी चाहिए और फ्री भी आनी चाहिए। हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, उत्तर प्रदेश में मौका दो, स्कूल भी अच्छे करेंगे। हमने दिल्ली में अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, उत्तर प्रदेश में मौका दो, यहां भी करेंगे। हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डालने की हमने गारंटी दी है। और जैसे दिल्ली में हमने बच्चों को रोजगार दिया, यहां भी बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता, तब तक हर महीने उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। योगी जी ने कितने बच्चों को नौकरी दी पिछले 5 साल में? दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को पिछले कुछ साल में नौकरी दिया, 10 लाख बच्चों को। वेबसाइट पे है सारा डेटा, देख लेना खोल के, 10 लाख बच्चों को। तो मैं हैरान हूं जान के, योगी जी ने ना तो कोई नया स्कूल खोला, ना कोई नया अस्पताल खोला, ना कोई डिस्पेंसरी खोली, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई कॉलेज खोला, ना कोई सड़क बनाई। उत्तर प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ है एक साल का, 5 लाख करोड़। तो भाई साहब, ये पैसा गया कहां सारा? लूट लिया। ये पैसा गया कहां? इतना पैसा खर्च कहां करा इतना सारा पैसा? 5 लाख करोड़ एक साल में, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना दवा, ना दारू, ना रोजगार, ना बच्चों को कुछ दिया। पैसा गया कहां भाई साहब इतना सारा? सोचने वाली बात है कि नहीं है? पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। बताओ ऐसी कोई बेतुकी बात, केजरीवाल भारत के दो टुकड़े करके एक टुकड़े का प्रधान में, ये मोदी जी कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहा है। मैंने कहा मोदी जी, आपने पिछले 5-7 साल में प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड करा ली। इनकम टैक्स वाले मेरे घर पे भी रेड करके गए, मेरे दफ्तर में घुस गए, मेरे बेडरूम में घुस गए। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा ली, सीबीआई वाले मेरे दफ्तर घर सारा छान मारा। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला।
उन्होंने ईडी की रेड करा ली, उन्होंने रॉ की रेड, सारी दिल्ली पुलिस की रेड करा ली। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। मैंने कहा फिर कैसे कह रहे हो आतंकवादी? बोले वो गाजियाबाद में कवि रहता है, वो कवि कह रहा है केजरीवाल आतंकवादी। उसके भाई साहब बोले वो गाजियाबाद में कवि रहता है, उसके सपने में आया है कि वह केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने कहा मोदी जी ऐसी बातें तो राहुल गांधी किया करते हैं, आप भी। मैंने कहा राहुल गांधी ऐसी बातें करे तो समझ में आता, आप भी। आजकल जितने मोदी भक्त है जनता उनके पीछे पड़ रही है, यार तुम्हारा मोदी भी राहुल गांधी बन गया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, मजदूर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ता है। बाबा साहब अंबेडकर का यही सपना था। बाबा साहब अंबेडकर ने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा भारत के अंदर जब गरीबों के और दलितों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। मुझे दुख होता है 75 साल में सारी पार्टियों की सरकारें आई लेकिन बाबा साहब का सपना किसी ने पूरा नहीं किया, किसी ने गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। मैंने कसम खाई है बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। हम देंगे गरीबों को अच्छी शिक्षा, हम देंगे दलितों को अच्छी शिक्षा। आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे, आप आके देखो जी एक बार दिल्ली में, मेरे को बिना बताए किसी सरकारी स्कूल में चले जाना, ऐसी फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हैं हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, यकीन नहीं होता ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। और अभी अभी थोड़े दिन, 3-4 दिन पहले मैं 12,000 स्कूलों में, 250 स्कूलों में 12,000 क्लासरूम का उद्घाटन कर, नए क्लासरूम बनवाए हमने। उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड है, वो चौक वाला ब्लैक बोर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड है। ऑडिटोरियम है स्कूलों में, लेबोरेटरी है, म्यूजिक क्लास है, स्विमिंग पूल है स्कूलों में। भाई साहब बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में ऐसी सुविधा नहीं मिलती जो हमने सरकारी स्कूलों में इधर रखी है दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। पता नहीं इनको आजकल क्या लत लग गई, सबको कहते हैं ये आतंकवादी, ये कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी जी, अमित शाह, पिछले कुछ दिनों से ये 5-7 दिन से रोज चिल्ला रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। भाई साहब मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं? कोई मैंने ऐसा काम करा हो आतंकवादी का? कोई आतंकवादी दुनिया में आज तक आपने सुना हो जो बच्चों के स्कूल बनवाता हो? कोई आतंकवादी ऐसा सुना हो जो बच्चों की पढ़ाई कराता हो? कोई आतंकवादी ऐसा सुना हो जो अस्पताल बनवाता हो, लोगों का फ्री में इलाज कराता हो? कोई आतंकवादी? वहां पे दिल्ली में हमने तीर्थ यात्रा योजना बनाई है, दिल्ली के लोगों को अयोध्या जी भेजते हैं, द्वारकाधीश भेजते हैं, रामेश्वरम, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, अजमेर शरीफ, अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं। जनता आती है खुश, इतनी खुश, फ्री में भेजते हैं, फ्री में ट्रेन, एसी ट्रेन जाती है, एसी होटल में ठहराते हैं जनता को और तीर्थ यात्रा करा खिलाते हैं। बताओ जी कोई आतंकवादी ऐसा दुनिया में मिला हो जो फ्री तीर्थ यात्रा कराता है? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही कर,